हाँ अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ HE2 मॉलिक्यूल बाय MOT। तो इसके पहले हमने जितने स्टेप्स इन्वॉल्व किए थे वही सारे स्टेप्स यहाँ भी आप ऐसे कर लिए होंगे। तो पहले क्या करना है, आप करते जाइए जो जो भी स्टेप्स मैंने बताया है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2। दूसरा हीलियम होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2। तो क्या करना है, एक एटम आप इधर बनाएंगे और एक एटम का ऑर्बिटल यहां बनाएंगे। इस एटम में इसको ऐसे और ये, इसका अर्थ क्या, आधा इसमें चला गया आधा इसमें, आधा ये यहां चला गया आधा यहां चला गया, इसे क्या कहेंगे 1s2 और यहां पर हो गया 1s2। कौन सी थ्योरी चल रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये यहां हीलियम है और ये भी क्या है, हीलियम है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को कहेंगे सिग्मा 1s और इसे कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। जो ऑर्बिटल इन एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर हैं उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम है, इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा। अब आपने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉन अब यहां पर बचे, क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिटल तो इनमें शामिल हो गए ना, यहां सिर्फ बचे हैं इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां के भी हमने उठाया और यहां के भी उठाया, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग फिर से करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेंगे कहां, जब ऑर्बिटल नहीं तो कहां रहेंगे, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां पर इस रास्ते में करेंगे। सबसे पहले मैं इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, मैंने आगे देखा कि शायद इसके बाद कोई ऑर्बिटल हो सिमिलर एनर्जी वाला, नहीं है, तो मैं वापस आया। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। फिर भी मेरे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं ऐसे रखूंगा 1 और ये हो गए 2। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब हमें क्या करना है, लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, HE2 का, और क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। फिर इस रास्ते में देखिए ये आया सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। ये देखिए यहां रखे हैं, यहां 2 यहां 2। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड को नष्ट करने का कार्य करता है। तो हम यहां दोनों बातें, जैसे हमने जितना कमाया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो फैमिली मान लिया, एक मेंबर ऐसा है कि जो सिर्फ कमा रहा है और फैमिली के बाकी सदस्य क्या होते, खर्च कर रहे हो, आज ये पार्टी, आज बर्थडे पार्टी, आज 1 जनवरी वाली पार्टी, ठीक है, उड़ा दिया। तो पहले वाले का काम क्या है, बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाना। दूसरे वाले का काम क्या है, खर्च करना। तो जितना कमाया उतना गंवाया। अब देखो 2 से भाग दिया कि देखे भाई शायद जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने होने चाहिए, बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो पता चला तो यहां 2 - 2 = 0/2, तो आंसर क्या गया, 0। कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो होगा, ठीक है, 0 तो बता दिया भाई, बॉन्ड ऑर्डर में सारी चीजें शामिल है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, कोई बॉन्ड नहीं। अब प्रश्न यह है कि जब इसमें कोई बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाएगा क्या, तो HE2 नाम का मॉलिक्यूल प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं है, पाया ही नहीं जाता, होता ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी में बना दिया। तो HE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, इसका मतलब यह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता, पाया नहीं जाता। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जब पाया ही नहीं जाता तो स्टेबिलिटी क्या देखना, हाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, यही ना। अब देखो मैग्नेटिक करेक्टर जल्दी से बताओ, वैसे भी जब पाया ही नहीं जाता तो मैग्नेटिक करेक्टर देखने को कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप बताना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ये भूत में नहीं काम करना है कि ऐसा होता है, ठीक, इसकी बताने कोई आवश्यकता नहीं।